ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान की है, जहां 27 अगस्त को लालू प्रसाद यादव ने शक्ति परीक्षण किया। बीजेपी के खिलाफ लालू की ये रैली काफी सफल रही, जिसमें विपक्षी पार्टियों के भी कई नेताओं ने हिस्सा लिया। आरजेडी का दावा है कि इस रैली में 30 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। लालू की रैली तो बेहद सफल रही, लेकिन इसकी वजह से वो दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर रैली के आयोजन से लालू आयकर विभाग के निशाने पर आ गए हैं। आयकर विभाग ने लालू को नोटिस भेजकर पूछा कि महारैली के लिए इतना पैसा कहां से आया। आयकर विभाग के नोटिस के बाद बीजेपी ने लालू यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि लालू यादव को रैली का खर्च बताने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर और उनके परिवार पर पहले ही करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाने को लेकर जांच चल रही है। अब लालू आयकर विभाग को संतोषजनक जवाब ना दे पाए तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।